हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू अलाइसब्लू। दिस इज दीपेन गोगोई और आज हम बात करेंगे क्रूड ऑयल का ऊपर, डेली पिवट पॉइंट, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, मार्केट ट्रेंड एंड मार्केट रेंज। सो दिस इज दिस रिस डिस्क्लोज डिस्क्लोजर स्टेटमेंट। सो वंस यू रीड विल स्टार्ट। तो ये 4 आवर क्रूड ऑयल चार्ट, तो आज इसमें देख सकते हैं पिवट पॉइंट है 4629, फर्स्ट रेजिस्टेंस 4686, सेकेंड रेजिस्टेंट 4740 एंड थर्ड रेजिस्टेंट 4797 एंड द फर्स्ट सपोर्ट 4575, सेकेंड सपोर्ट 4518, थर्ड सपोर्ट 4464। तो ये देख सकते हैं डेली चार्ट क्रूड ऑयल। तो डेली चार्ट में आपको देख सकते हैं ये क्रूड ऑयल अप ट्रेंड में ही है, लेकिन यहाँ पे एक बात देख आपको कॉन्फर्म करना पड़ेगा। यहाँ पे तो अभी मार्केट जो 200 लेवल था उसको ब्रेकआउट करना चार कोशिश कर रहा है। अगर इसको ब्रेकआउट कर दिया और साथ में 50 मूविंग एवरेज जो ब्लैक कलर का है, ये 50 मूविंग एवरेज ने अगर ये ऑलमोस्ट ग्रीन ग्रीन कलर का जो मूविंग एवरेज है जैसे 150 उसको क्रॉस कर दिया, तो मार्केट वहाँ से डाउन ट्रेंड स्टार्ट कर लेंगे वो वीकली में, डेली में, राइट। तो डेली में जो हमें लास्ट सपोर्टिंग जोन मिला था 200, उसको तो ब्रेकआउट कर दिया। यहाँ पे देख सकते हैं इसको ब्रेकआउट कर दिया। यहाँ से मुझे लगता है मार्केट अगर ब्रेकआउट किया तो यहाँ पे 4512 तक आ सकता है, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं वीकली ये मूविंग एवरेज आपको देख सकते हैं 50 मूविंग एवरेज, तो यहाँ तक आ सकता है मार्केट। यहाँ से आके भी फिर से बाउंस बैक हो सकता है ऊपर के लिए, लेकिन उसके लिए हमें कंफर्मेशन चाहिए यहाँ से ब्रेकआउट होगा या नहीं होगा, ठीक है। तो डेली में आप देख सकते हैं ये तो मार्केट जो मूविंग एवरेज 200 था उसको ब्रेकआउट करके आज मार्केट नीचे ही आ रहा है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं एक पहले 100 मूविंग एवरेज ने बनाया था सपोर्टिंग लेवल, उसको ब्रेकआउट करके 200 के आसपास आ गया। तो 200 में ये जो फॉर्मेशन हो रहा है तो सेम एक पैटर्न फॉर्म हो रहा है, राइट। तो यहाँ से मुझे लगता है इसको तोड़ने का कोशिश करेंगे। यहाँ पे अगर हमने 4 आवर में देखे तो 4 आवर में कंटिन्यूसली लोअर लो बना के आ रहा है मार्केट, ठीक है। तो लोअर लो बना के मुझे लगता है ये और नीचे आने का चांसेस दिखाई दे रहा है 4 आवर में। अगर हम 15 मिनट या 5 मिनट में देखें तो देख सकते हैं आप कंटिन्यूअसली डाउन ट्रेंड है, और डाउन ट्रेंड का ये लास्ट पॉइंट दिखाई दे रहा है कहाँ पे, हमें 4581 में। तो अगर ये लेवल को ब्रेकआउट करें तो मुझे लगता है 4512 लेवल आ सकता है, क्योंकि मार्केट अभी भी 15 मिनट में डाउन ट्रेंड चल रहा है। तो यहाँ पे आपको डेली में थर्ड रेजिस्टेंस लाइन मिला हुआ है कहाँ पे, 4512। तो यहाँ से यहाँ तक आप सेल रिस्क ले सकता है। सो आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।